ভাল নে একচুয়ালি মানে तो हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम के भाई पे आप सभी को स्वागत है। तो गाइस आप लोग सोचता होगा कि मैं हर रोज़ क्यों मंदिर पे वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे वीडियो बनाना एक अलग सा ही वाइब आता है, तो अच्छा लगता है गाइस मंदिर पर आके। तो आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो था वो लोग अभी चला गया तो भाई का रूम पे, एंड थोड़ा पहले बात कर लेता है। तो गाइस बहुत दिन, शायद 3-4 दिन हो गया ब्लॉग कर नहीं पाया, एंड मुझे भी थोड़ा ख़राब लग रहा था कि मैं ब्लॉग कर नहीं पाया गाइस। एंड गाइस आज है हम लोगों का गोगा मुख पे बिहू वर्कशॉप, तो यहाँ पे मुझे आकाश भैया बुलाया। तो गाइस आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा अब मैं आज का वीडियो क्या टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ। एंड गाइस मैं पहले बोल ही देता हूँ, देन आप लोगों को सबको मालूम है आकाश को एंड हम लोग का गोगा मुख का बहुत अच्छा डांसर है आकाश भैया। तो आकाश भैया ने एक वर्कशॉप रखा है, तो बिहू वर्कशॉप, तो चलिए चलते वहाँ पे देखते हैं। मैं भी नहीं देखा फर्स्ट टाइम, मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। तो मेरे को भी बिहू का मारे में उतना नॉलेज भी नहीं है, तो थोड़ा कुछ मिलेगा एंड आप लोगों को भी दिखाने को मिलेगा। तो गाइस मौसम उतना अच्छा भी नहीं है, बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो पता नहीं क्या होगा अभी ब्लॉग। लगता है आज मौसम काफ़ी ख़राब है, मतलब ठंडे भी लग रहा है हमको थोड़ा थोड़ा, लेकिन शायद रात हो जाएगा अभी, पता नहीं क्या होगा, शायद शाम भी हो सकता है, मालूम नहीं मेरे को क्या होगा। देखिए सिर्फ शर्ट पहन के या बाइक भी चलाना है ऊपर से, तो उतना अच्छा भी नहीं है। तो चलिए आंटी कुछ बोल रहा था, हेलो बाय बाय बाय। तो चलिए गाइस मिलते हैं वहाँ पे, तो मैं आप लोगों को पहले बिना दिखाऊंगा ठीक है आप लोगों को, तो उसके बाद वहाँ पे घुसेंगे तो आप लोगों को साउंड आ ही चुका होगा दूर का। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड गाइस देख सकते हैं आज पुई काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी अच्छा है एंड अच्छा भी लग रहा है, मतलब बारिश होने से भी उतना ख़राब नहीं लग रहा है। तो पता नहीं गाइस आज ब्लॉग कैसा होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो बन जाएगा इस पहले रास्ता क्रॉस करना है कि नहीं पार होना है इसको। चलिए वहाँ पे चलते आगे आगे चलते हैं। तो पता नहीं गाइस कैसा हो रहा है मेरा ब्लॉग, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ब्रो ब्रो की खबर, एकदम मजा ना? तो भाई को भी मिल गया, अच्छा लगा, क्या हाल है बाकी बोलो फटाफट। एंड कैसा लग रहा है यहाँ पे आके वर्कशॉप पे, मतलब क्या बोलो, अमेजिंग अमेजिंग, मेरे लिए तो अच्छा है, अच्छा है ना। एंड तो चलिए आप लोगों के साथ मैं भी देखता हूँ गाइस, बहुत आदमी आए यहाँ पे एंड देख सकता है पुई बहुत लोग है गाइस, बहुत लोग, काफ़ी खतरनाक होने वाला है, पता नहीं आज का ब्लॉग थोड़ा हालांकि किसी का तबाही होने वाला है मुझे मालूम है गाइस। तो फास्ट में ऐसा ब्लॉग तो वर्कशॉप के साथ, तो बन रही है वीडियो पर गाइस, बहुत आदमी आया, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बैक कैमरा से पुई गाइस, बहुत 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 मौसम भी ख़राब है तब भी फिर भी वर्कशॉप चल रहा चालू है, तो अच्छा लग रहा है सबको देखिए। एंड आंटी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं गाइस, तो देख सकते हैं पुई बहुत आदमी है गाइस, मैं सोचा नहीं था बारिश के दिन में भी इतना आदमी होगा पुई, हेलो। तो गाइस ये मेरा दोस्त का है भंजा, हेलो क्या हाल है भाई, क्या शर्म कर रहे क्या तुम शर्मा रहे हाँ, कौन कौन आया, मम्मी मम्मी के साथ आया तुम, देखिए गाइस इतना प्यारा प्यारा बच्चा, ओए 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 किसे नाच रहा है, माँ का सब गाइस बहुत छोटा छोटा, पहले साल में ना बहुत बड़ा बड़ा था, मतलब ओ ओ ओ ओ ओ मज़ा आ गया मुझे गाइस, आप लोग वीडियो में बन रही है सच में बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा बहुत बहुत। एंड गाइस देख सकते हैं इतना छोटा छोटा बच्चा, इतना प्याला प्याला, ओ भाई भाई भाई, भाई। गाइस इस साल में ना बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा, मतलब जितना मैं देख रहा है छोटा छोटा, पीछे है थोड़ा बड़ा बड़ा, उतना बड़ा भी नहीं है। আমরা মাত্র 15 জন আছি, কোন দেশাল পুরো গোবিমা আশা আমি ফুকন আশা বড় বড় চলে আশা বড় বড় গাইস এই আম লোক আকাশ ভাইয়া এন্ড इतना दूर से आया है आशा बोरा फुकन दी, तो उसको अभी रेस्पेक्ट तो हमारा आशा में से देने का है, मैंने मोहन जैसी को मैंने बोलने का अवसर पर बहुत दूर से आया है, यही है दी आशा बोरा फुकन। एंड गाइस अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग आ सकते আমি আগ্রাসিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
লাগিছে মই আসলে আহিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু চেষ্টা কৰিলো আৰু আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ মোৰ ভাগ্যতে আছিল সাগে মই সেইকাৰণে আহিবলৈ পাৰিলোঁ সুযোগকণ পালোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে মই আজি আৰু কাইলৈ দিনটো আপোনালোকৰ লগত ভালকৈ কটাব পাৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু কি খবৰ সকলোৰে ভাল আমি বহুত কথা পাতিম বিহুৰ বিষয়ে আৰু বিহুৰ বাদেও আমি বহুত কিবা কিবি কথা পাতিম মই যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক বিহুৰ বিষয়ে মোৰ যিখিনি জ্ঞান আছে মই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকেও ভালকৈ ছাপৰ্ট কৰিবা মোক আৰু মই শিকোৱাখিনি ভালকৈ আগ্ৰহেৰে তোমালোকে আগবাঢ়ি ল'বা সেয়া ক'লোঁ আকৌ এবাৰ মই আকাশিবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ ধন্যবাদ थोड़ा क्यूट क्यूट सा लड़की है तो इन लोगों से पूछता है कैसा लग रहा है एंड क्या माहौल चल रहा है उन सब का हेलो अपना नाम दो नमस्कार एंड अपनर एंड वर्कशॉप तो कितने पर स्टार्ट हुई है তিনদিন হৈছে না তিনদিন হৈছে এণ্ড জ মানে ইয়াত যে নাচিব আহিছে না সৰু সৰু ভণ্টিসকল মানে ভাই ভণ্টিসকল তো সিহঁতি মানে কিমান দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে মানে এতিয়া যদি কোনোবা মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি আছে না ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি আছে কোনোবা যদি এতিয়া ভাবিছে মানে কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া আজিৰ পৰা মানে আজিকালিৰ ভিতৰৰ পৰা কৰিব পাৰিব না এডমিশ্যন লৈ কিনে পাৰিব না আৰু মানে ফিজটো কিমান 400 ৱৰ্কশ্বপটো কিমান দিন হ'ব 11 দিন থ্ৰী ডেজ গুচি গ'ল মানে তো থেংক ইউ সো মাছ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে এণ্ড তো ইয়াত আছে এলো আকাশ ভাইয়া হাই কেছা হে ভাল ভাল মস্ত ডালত পৰি বিনালে ও বিৰল শিকে তেতিয়ী হেৰা বুলি গগন হাতি
देखिए इतना छोटा छोटा बच्चा है, इतना क्यूट क्यूट बच्चा है। तो गाइस इस बार इतना बड़ा बड़ा लड़की लोग नहीं है, क्योंकि सबको पता ही है सेकेंडरी और मैट्रिक एग्जाम चल रहे हैं, तो उसका वजह से शायद वो लोग वर्कशॉप कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप लोग कर पाएगा मैट्रिक का एग्जाम दे के, 5-6 दे रहेगा, आप लोग कर सकते हैं। अगर एनी कोई इंटरेस्ट है तो आप लोग आराम से आप लोग वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। साउंड है ना, सुकून मिलता है, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है गाइस। बिहू लग गए सबको, तो मेरे तरफ से सबको एडवांस हैप्पी बिहू गाइस। सब लोग मस्ती करना, एंड जितना हो सके गाइस मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस ये ढोल का साउंड है, और ये जो क्यूट क्यूट सा इतना छोटा छोटा बच्चा है ना, इन लोगों मतलब एक अलग ही मतलब मुझे नाचने को मन करे, मुझे नाचने को मन करे। एंड गाइस कोई मुझे व्यू सिखा दो यार, कोई जानता है तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो, व्यू सिखा दो, हमको व्यू सीखना है, मुझे बहुत लगता है। मैं ट्राई करता हूँ बिहू, लेकिन नहीं आता है। सॉरी गाइस मैं पूरा वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, तो वीडियो के लिए ब्लास्ट में पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा था, और शाम भी हो गया था। और एक बात गाइस, मैं सोचा था कि आप लोगों को मैं आकाश भैया को मिलाऊंगा, लेकिन मिला नहीं पाया, वो काफ़ी मुझे भी ख़राब लगा, क्योंकि मैं देख रहा था आकाश भैया काफ़ी बिजी था, तो वहाँ पे उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं इसलिए मिलाया भी नहीं। कोई बात नहीं गाइस, कभी जाने से नेक्स्ट टाइम मिला दूंगा। और गाइस वही, अगर आप लोगों को वर्कशॉप करना है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं बिहू का, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 3 डेज गया है वर्कशॉप, टोटल 11 डेज था, तो रजिस्ट्रेशन फीस 400 सिर्फ। तो आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग कर सकते हैं, एंड मेरा इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे आप लोग डीएम कीजिए, एंड इंस्टा पे डीएम करने के बाद मैं आप लोगों को पर्सनल नंबर दे दूंगा उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजर है। आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नया आया है तो मेरा चैनल पे, तो बेल आइकन को दबा के जाइए गाइस। तो आज का वीडियो इतना ही था, बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।